मॉर्निंग स्टैंड, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स 12th क्लास या मॉडर्न फिजिक्स भी कह सकते हैं, 12th क्लास नीट के लिए आईटी मेन और आईटी एडवांस, मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट, प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन वो भी कंप्लीट, लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन फाइनल, और हम लोगों को डिस्कस करना है ढेर सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन। लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन के तीन फॉर्मूला, डिफरेंशियल फॉर्म में, नाउ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म में, एन के फॉर्म में, तो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन में 14 क्वेश्चन हो गया था, 40 क्वेश्चन का प्लानिंग है, बेस्ट क्वेश्चन रहेगा तो और भी करेंगे हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो आज का क्वेश्चन जो रहेगा इस लेक्चर का, हम लोग प्लान करेंगे क्वेश्चन ऑन माइनस डी एन बाई डी टी, जो इक्वेशन है इसके ऊपर प्लान करते हैं हम लोग। माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर लेमडा और इन टू एन, इस इक्वेशन पे प्लानिंग करते हैं क्वेश्चन का। इस पे कैसे क्वेश्चन आता है, चलिए सारा टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या टर्म है आपको, तो आप जानते हैं माइनस डी एन बाई डी टी, सो माइनस डी एन बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, माइनस है, माइनस का मतलब डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, माइनस डी एन बाई डी टी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसको आप लिख सकते हैं एक्टिविटी भी, एक्टिविटी भी कहलाता है ये एक्टिविटी भी, कहीं कहीं पेपर में लिखा रहता है एक्टिविटी। यूनिट से भी पहचान सकते हैं, क्वेश्चन जब आप बना रहे हैं अगर कुछ नहीं समझ में आया तो यूनिट को देखा कीजिएगा। इसका यूनिट होता है डीपीएस, जो पढ़े हुए हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। सो आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि यूनिट ऑफ माइनस डी एन बाई डी टी, सो माइनस डी एन बाई डी टी का जो यूनिट है वो आप डीपीएस लिखा रहेगा ऐसे, या डी और पर सेकेंड ऐसा लिखा रहेगा, जिसको आप पढ़ते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। सो डिसइंटीग्रेशन टूटना है और यहां लिखना है पर सेकेंड, सो यह है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड डीपीएस। और क्वेश्चन बनाने में यूनिट कन्वर्ट करना भी मैंने सिखाया था, वो सब आप जस्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन प्लान करते हैं इस पर। सो डीपीएस हुआ, और अगर हम लोग लिखेंगे 1 CA, 1 curie, इसको हम लोग बोलते हैं 1 curie, तो 1 curie जो यूनिट हो गया वो हम लोग पढ़े हुए थे 3.7 इंटू 10 पे पावर 10, और ये है डीपीएस 1 curie। 1 mCi है, अगर 1 mCi, सो 3.7 इंटू 10 पे पावर 7 डीपीएस हो जाएगा। मिली हटा देंगे, मिली छोटा एम लिखना है, मिली का मतलब 10 पे पावर माइनस 3, वो हट जाएगा। 1 μC, सो हम लोग पढ़े हुए थे 3.7 और 10 पे पावर जो माइक्रो 6 करेंगे यहाँ पे, माइनस 6 करेंगे तो 4 डीपीएस क्वेश्चन में रहता है। मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूँगा, देखिएगा आपको। 1 BQ बेकुरल, 1 बेकुरल तो 1 DPS के बराबर रहता है। और 1 RD रदरफोर्ड जो है वो 10 पे पावर 6 डीपीएस। सो ये सब हम लोग यूनिट पढ़े हुए हैं, उसको आप अप्लाई करना सीखिए यहाँ पे, ये है ठीक। सो माइनस डी एन बाई डी टी, उसका मीनिंग हो गया कि एक्टिविटी बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं, और यूनिट हो गया डीपीएस, और यूनिट में ये कन्वर्जन हुआ क्यूरी, बेकुरल और रदरफोर्ड। नेक्स्ट आपको लेमडा, लेमडा जो टर्म है, तो सारे टर्म पढ़ लेते हैं फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, जैसे लेमडा, लेमडा को हम लोग बोलेंगे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, सो लेमडा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, जो भी यूनिट है आपका। आप जानते हैं कि हाफ लाइफ लिखा रहता है, तो हाफ लाइफ होता है 0.6
93 बाई लेमडा ऐसे। सो अगर आपको लेमडा निकालना हो तो लेमडा निकालने के लिए आपको लिखना है 0.693 और बाई हाफ लाइफ। तो ये ऐसे यूज करना है जो आप जानते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं हाफ लाइफ और लेमडा, तो वो थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए। और हमें चाहिए सेकंड में ना ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट होता है डिस्टेंटिगेशन पर सेकंड। मान लीजिए अगर टाइम आपका ईयर में रहता है तो कन्वर्ट करना सीखिए। तो वन ईयर, सो वन ईयर को कन्वर्ट करना भी थोड़ा सीखना है कि आप जानते हैं 365 डेज हुआ और डेज में 24 घंटा हुआ, 60 मिनट हुआ और ये हुआ 60 सेकंड। सो ईयर को कन्वर्ट करना सीखिए, ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना सीखिए। और ये एक कन्वर्जन फैक्टर है और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 31, 5 और 36, 1, 2, 3। सो 31 इसमें 5 जोड़ेंगे तो 36 हो गया, 3 जीरो हुआ और ये हो गया सेकंड। सो ये जरूरत पड़ेगा आपको यूनिट चेंज करना, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को ऐसा यूनिट बनाना होता है और हो सकता है क्वेश्चन जो आप सॉल्व करें उसमें ईयर लिखा हो, हाफ लाइफ ईयर में रहता है। सो नेक्स्ट टर्म आपका इसमें एक्टिविटी हो गया, रेट ऑफ डिस्टेंटिगेशन लेमडा हो गया और एन चाहिए, नेक्स्ट एन। सो जो आपको फॉर्मूला था माइनस डी एन बाई डी टी, और इस फॉर्मूला में आप पढ़ रहे थे लेमडा और इंटू एन। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया, लेमडा हो गया और अब आप पढ़ेंगे एन। एन इज द नंबर ऑफ एटम लेफ्ट एट टाइम टी। एन जो होता है आपको मैंने बताया था कि ये बचा हुआ है नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम। एटम लेफ्ट एट टाइम टी, बचा हुआ एट टाइम टी, कितना रेडियोएक्टिव एटम बचा हुआ लेफ्ट एट टाइम टी, वो है नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए कभी कभी मोल कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूला से। देखिए, सो हम लोग को फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आपको मोल कॉन्सेप्ट भी कभी कभी जरूरत पड़ेगा। फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट तो आप मास डिफेक्ट में भी तो खूब यूज किए थे, मास डिफेक्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, वहां पर भी तो मोल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे आप। तो मोल कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल जो होता है वेट और डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स। एन को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स और डिवाइड बाई यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर, ये। जो नंबर ऑफ मोल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मोल कॉन्सेप्ट, वेट बाय मोलिकुलर वेट और ये एन बाय एवोगाड्रो नंबर। तो जरूरत पड़ेगा तो एन यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया रिजल्ट, अब प्लानिंग करते हैं क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ और 10 क्वेश्चन मैं इस कॉन्सेप्ट पे बनाता हूँ। 14 हो गया था ना आपका, 15, नेक्स्ट 15। अब 15 में मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ और मैं प्लानिंग करता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है आपको। सो मैंने एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया था आपको और सिंपल सा क्वेश्चन, काफी आसान सा बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है आपका कि रेडियम है, रेडियोएक्टिव एटम है, एटॉमिक वेट 226 है, हाफ लाइफ लिखा हुआ है 1600 ईयर। फॉर 1 ग्राम रेडियम के लिए माइनस डी एन बाई डी टी नंबर ऑफ डिस्टेंटिगेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ डी पी एस चाहिए। यहाँ हमें नंबर चाहिए कितने डी पी एस आ रहा है, वही डिस्टेंटिगेशन पर सेकेंड। सो सिंपल, आप जानते हैं कि यहाँ मुझे फॉर्मूला ये यूज करना है माइनस और डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एन यूज करना, ये फॉर्मूला हम लोग का है। और कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, एग्जाम में कई मेडिकल में क्वेश्चन आता है कि तुरंत कट जाएगा, कैलकुलेशन तुरंत कट जाता है बट कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा रहेगा। अब मुझे ये चाहिए और लेमडा इंटू एन, लेमडा आप जानते हैं।
लेमडा आप पढ़े हुए हैं कि लेमडा जो होता है वो है 0.693 बाई हाफ लाइफ, और हमें चाहिए था हाफ लाइफ सेकेंड में, क्योंकि 0.693 क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डिसरेडिएशन पर सेकेंड, सेकेंड यूनिट चाहिए जबकि ईयर है यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि ये 1600 और ईयर को कन्वर्ट करना है, तो 31536 और 1230 ये हुआ आपका यूनिट जो हो गया वो सेकेंड इन्वर्सन, ये यूनिट हो गया सेकेंड इन्वर्सन, ठीक है। नाउ एन, एन हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम, सो एन चाहिए हम लोग को, तो एन, एन इज द नंबर ऑफ एटम। तो उसके लिए देखिए आपको फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट वाला, आप जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिकुलर वेट, और यहाँ एन और डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर एफ, ये यूज करना है। सो अगर नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो वेट बाय मॉलिकुलर वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर, तो ये है वेट और डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर। सो वेट बाय मॉलिकुलर वेट, चलिए वेट कर लीजिए 1 ग्राम, और मॉलिकुलर वेट, मॉलिकुलर वेट है 220, एटॉमिक वेट है 226 कर लेंगे। एवोगाड्रो नंबर हुआ 6.023 इंटू 10^23। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा आंसर। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है बट कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा रहता है आपको। सो माइनस डी एन बाई डी टी ऑप्शन रहेगा तो अंदाज से भी हम लोग बना सकते हैं। सो यहाँ पे 0.693 और यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ 16 और ये जीरो को हटा दे रहा हूँ मैं, 30 इसका भी ले रहा हूँ, 30 इसका भी हटाता हूँ, 30 और 31536। और अब आप यहाँ पे 30 इसका, 20 इसका, 5 और 678, 10^8 हो जाएगा ऐसा। और n, n का वैल्यू हो गया मल्टीप्लाई बाय 1 और ये हुआ आपका 226 इंटू 6.023 इंटू 10^23। यह है आप यूनिट हो गया डिसरेडिएशन पर सेकेंड, DPS हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितना क्लोज जा सकते हैं। तो पहले तो पावर ही सॉल्व करने का रूल होता है, रूल तो यही होता है कि पहले पावर सॉल्व किया जाए। माइनस डी एन बाई डी टी आंसर है, आंसर देख के भी आप बना सकते हैं। तो पहले पावर सॉल्व करते हैं और ये है 693 16 31 536 और 226 6.023 इंटू, सो ये है 293 16 और ये हो गया 226 6.023 और 23 और ये 8 31 ऊपर जाएगा 10^-31। सो ये है डिसरेडिएशन पर सेकेंड, ये हो गया आपका। अब सॉल्व करेंगे, अभी तो और बहुत सारा, मैं ऑप्शन दूँ, ऑप्शन दूँ, अंदाज लगाइएगा। चलिए मैं ऑप्शन देता हूँ, कुछ गड़बड़ होगी क्या, क्योंकि ऑप्शन, अरे गड़बड़ हो गया, ऑनलाइन क्लास में यही तो गड़बड़ होता है, मुझे चेक करना पड़ता है। तो मैं आंसर देखना शुरू किया तब पता चला कि गड़बड़ हो गया, ये वेट बाय मॉलिकुलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर में यहाँ प्लीज यहाँ पे है 6.023, ये है 6.023 इंटू 10^23। सो प्लीज ये तो ठीक है, ये रहेगा और ये रहेगा, ये रहेगा 3, 5, 8 हो गया और 226 और ये पूरा ऊपर जाएगा 6.023 इंटू 10^23। रहने दीजिए, इन सब डाटा को रहने दीजिए, पावर मुझे 6.023 इंटू 10^। सो ये हुआ, ये हुआ, नीचे रह गया और ये 8 कटेगा, यहाँ से 8 कट जाएगा, तो 8 यहाँ से घटाइएगा तो 15 हो गया, 15 ऐसे। अभी भी बहुत कैलकुलेशन है, मैं ऑप्शन देता हूँ, अंदाज लगाइएगा।
मैं ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे, ए बी सी डी, अंदाज लगाइएगा क्योंकि ऑप्शन रहेगा तो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ही बड़ा है, कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट। 4.8 टेन पे पावर 10, 9.2 इंटू टेन पे पावर 5, 4.8 इंटू टेन पे पावर 10 हुआ, ठीक, 9.2 इंटू टेन पे पावर 5। नेक्स्ट 3.7 इंटू टेन पे पावर 10, 0। तो आंसर में ये नहीं आंसर है और ये आंसर नहीं है, पावर तो होगा 10 पे पावर 10 के पास। अब देखते हैं 10 पे पावर 10 कर लेते हैं और अब हम लोग अंदाज लगाते हैं, माइनस डी एन बाई डी टी। सो 10 पे पावर 10 करेंगे तो यहाँ से हो गया कितना, 0, 5 0 बाहर निकालना है, तो 5 0 बाहर निकालेंगे तो 693, और 3 0 इसको दे दीजिए, तीन जीरो इसको दे देंगे आप तो 6023, और दो जीरो बाहर स्टॉक में रखिए ऐसे, और यहाँ पे रखेंगे 16, और ये हुआ 31563, सॉरी 36, और 226 यहाँ हुआ 10 पे पावर 10 डीपीएस। देखते हैं, है तो 10 पे पावर 10 ही है, अब अंदाज लगाने दीजिए, अंदाज से ये अंदाज लगा रहे हैं, ये कटा इससे 3 बार में और ये कटा इससे 5 बार में, और नीचे 80 हो गया, ऊपर में 300 हो गया, सो 300 और 80 ये आएगा ऐसे, सी चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, सी आएगा एकदम कंफर्म है, सी आएगा। ये चेक कर लीजिए, मैं कैसे अंदाज लगा रहा हूँ, तो देखिए इसको इससे काटा 3 बार में, वो आपको मान लीजिए 200, ये 600, थोड़ा सा ज़्यादा है 200 से, तो ये भी 600 से ज़्यादा है, 3 बार में एक काटा आपको, ये 6000 है, ये 30000 है, तो ये नीचे काटा मैंने तो 5 बार में, तो ऊपर में ये ऊपर में 300 हो गया और नीचे में 5 हुआ, और 16 मल्टीप्लाई 5 80, ऊपर में 300 है, नीचे में 80 है, ठीक है, तो 30/8 15/4, तो नियरली 4 के पास जा रहा है, आप चेक करके देख लीजिएगा एग्जैक्टली यही आएगा। तो भाई ऑप्शन रहता है ना, तो अंदाज हम लोग लगा लेते हैं, ऑप्शन रहने पे अंदाज आपको मिल जाता है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा यूनिट का चेंजेस है, बाकी आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा फास्ट लगाना है बस, उसी को मैं 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कराऊंगा, थोड़ा सा फास्ट करना है कि एक रेडियोएक्टिव एटम लिखा हुआ एक्स एटॉमिक वेट 200, इसका अमाउंट चाहिए वो ग्राम में, जिसका एक्टिविटी है 1 क्यूरी लिखा हुआ है, और हाफ लाइफ 69.3 मिनट लिखा हुआ। स्टार्ट करते हैं, आपको यूज करना है ये फॉर्मूला कि एक्टिविटी है तो माइनस डी एन बाय डी टी, और यहाँ पे लैम्डा और इनटू द एन, ये है ये नंबर ऑफ एटम के लिए आप मोल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, ये नियरली हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है कि वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, और ये नंबर ऑफ एटम इनटू द एवोगाड्रो नंबर, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, आप लिख सकते हैं माइनस डी एन बाई डी टी, माइनस डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू लेमडा और एन नंबर ऑफ एटम, सो ये है वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट इन टू द एवोगाड्रो नंबर, हो गया ऐसा। नाउ आप सॉल्व करेंगे एक्टिविटी 1 क्यूरी, यहाँ पे 1 क्यूरी का मतलब आप जानते हैं कि 1, और 3.7 इंटू 10 पे पावर 10 हो गया, ये ऐसा यूनिट हो गया डिस्टेंटिगेशन पर सेकेंड, ठीक है, आपको ऐसा यूनिट में करना है। लेमडा जो होता है वो 0.6, ये जानते हैं 0.693 बाय हाफ लाइफ, हाफ लाइफ लिखा हुआ है 69.3 मिनट, मिनट को हटा लेंगे 60, सेकेंड में कर लेंगे ना, क्योंकि ये यूनिट है आप जानते हैं ये डीपीएस है डिस्टेंटिगेशन पर सेकेंड, तो ये जरूरी है कि आपका यूनिट सेकेंड में रहे। नाउ
नंबर ऑफ एटम, वेट, वेट हमें निकालना है, वेट निकालना है। एटम का एटॉमिक वेट है 200 और एवोगाड्रो नंबर है 6.023 और इंटू 10^23। ऐसे बाकी सॉल्व कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सो 3.7 इंटू 10^10। यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ 20 इसको नीचे करना है, तो 1/160। सो वेट 200, वो इसको हटाइए ना, 6.023 को 6 ही रखिए ना, इंटू 10^23। इससे कैलकुलेशन मेरा ईजी हो जाएगा, कट जाएगा तुरंत, क्योंकि 1 मिनट टाइम मिलता है। तो यूनिट कन्वर्ट करना, आपको फॉर्मूला सेट करना, सब 1 ही मिनट के अंदर है। सो 3.7 इंटू 10^10, 6 और 6 कैंसिल हो गया, तो वेट हो गया, और नीचे में 1, 2, 3, 4, 5, 2 इंटू 10^5 और ऊपर में हो गया 23। ऐसा सो वेट सॉल्व करेंगे, वेट इज इक्वल टू 3.7 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये हुआ आपका 7.4 इंटू 10^15 इंटू 10^-23। सॉल्व करिए, ये तो पूरा कट गया, 7.4 और इंटू 10^ ये 5, सो -8 ग्राम। चेक करेंगे आप, आपका आंसर ऐसा होना चाहिए। तो इसी को प्रैक्टिस करना है, आपका इक्वेशन, मेन इक्वेशन ये है, इसमें यूनिट को अगर क्यूरी है तो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, नाउ जो आपका डिसरेडिएशन कांस्टेंट है उसको चेंज करना और कुछ थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगाना, और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, बस मुझे प्रैक्टिस कराना है और फास्ट कराना था कि 1 मिनट में आप क्वेश्चन कर लेना। आपको एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, एक्स है 200, वेट लिखा हुआ है, हाफ लाइफ लिखा हुआ है, डिसइंटीग्रेशन करना है आपको। क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं? आप इसको डायरेक्ट आप बना सकते हैं? क्या आपको डायरेक्ट -dN/dt चाहिए? तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे लेमडा का मतलब हुआ 0.693/2 लाइफ, हाफ लाइफ है 1000, और नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो 31, 5, 36, 1, 2, 3 इतना जो हुआ वो सेकंड में आ गया, तो ये यूनिट आपका आएगा सेकंड में ये। सो हाफ लाइफ 1000 ईयर, ईयर को हटा लीजिए। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम के लिए यहाँ पे फॉर्मूला वेट बाय मॉलिकुलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर, वेट लिखा हुआ 1 और एटॉमिक वेट 200 और एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23। तो ये हो गया यूनिट डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। मुझे बस एक लाइन में समझाना था, क्या आप एक लाइन में डायरेक्ट लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, और इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन अंदाज से लगाना है। सबसे पहला रूल होता है पावर सॉल्व करना, कैलकुलेशन करना शुरू से एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही मैं सिखा रहा हूँ आपको, कि ये हटा लीजिएगा, ये 693 कर लीजिएगा, यहाँ पे 31536, 3 जीरो इसका, 3 जीरो 6, 7, 8, 9, 2 जीरो इसका भी ले लीजिए, 10, 11 कर लीजिए, और ये इसको 6 ही लीजिए ना, 6 ही करेगा। सो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया, 11 ऊपर कटा तो ऊपर हो गया 12, डीपीएस में आ गया यूनिट। वेट करेंगे अभी, क्योंकि सारा यूनिट कोई भी 12 में आंसर है नहीं, और 12 में आएगा भी नहीं। हमें ये इस फिगर में लेना है, फर्स्ट डिजिट तक बात करना, तो 10^10 ज़्यादा आपको आंसर में लिखा हुआ, तो 20, तो 6930, और यहाँ पे है 10 और यहाँ पे दे दीजिए 60, और यहाँ पे है 31536 ये हुआ, और मल्टीप्लाई बाय 2, सो 20 है तो 10^10, और ये है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। जस्ट वेट करना अभी आपको, और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना है 10^10 हो गया,
अंदाज लगा रहे हैं, अंदाज में ये आ रहा है, ये बी आ रहा है, बी ठीक है। तो कैसे बी है आपका तो चेक करेंगे आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप इस सिक्स से, ये सिक्स से काटेंगे यहाँ पे, ये सिक्स से काटेंगे तो ये आपका 5000 हो गया ठीक है। ये 5000 सिक्स है, सिक्स अगर ये ऐसे क्रॉस करेंगे तो नियरली देखिए ये सिक्स है और ये 30000 कर लेंगे, तो यहाँ 5000 हो गया और 5000 और एक जीरो कट लेंगे, कटेंगे यहाँ पे तो 500, ये 500 और 1 2 यहाँ पे 1000, 1000 में करेंगे तो 6.9, मेरा 6.9 के पास आ रहा है, तो आंसर बी है। वो तो अप्रोक्सीमेट अंदाज से लगा रहे हैं हम लोग, आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो 60 यहाँ देखिए 60 और डिवाइड बाय 315 और 36, तो आप इसको 60 माने और अंदाज से लगाएं कि ये इसको 30000 ऐसे मान लें, एक जीरो और, तो ये और ये कटा और ये इससे कटा तो ये हुआ आपका 500, और 500 है और नीचे में 2 है, 1000 हुआ, और 1000 जब डिवाइड करेंगे तो 6.9 अप्रोक्सीमेटली, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली हो गया था, अप्रोक्सीमेटली इसके जो सबसे क्लोज आएगा वो डाटा 6.6 इंटू 10 पे पावर 11, 10 dps। तो ऐसे आपको बनाना होता है, 1 मिनट टाइम रहता है और आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ, वो आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं एक एडवांस का क्वेश्चन देता हूँ अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इंटीजर टाइप क्वेश्चन में एक रेडियोएक्टिव एटम है जिसका डिसइंटीग्रेशन, ये यूनिट एकदम सही है, मीन लाइफ लिखा हुआ है, मीन लाइफ आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं, मीन लाइफ साइंस में 1/λ कहलाता है, तो यहाँ से 1/λ मिल जाएगा, यहाँ से लेमडा निकाल लेंगे आप। मास ऑफ एन एटम, ये एक नया लाइन लिखा हुआ और वो भी यूनिट लिखा हुआ किलोग्राम में, सो मास ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इन मिलीग्राम, मिलीग्राम में चाहिए, वो इंटीजर टाइप था आईटी एडवांस का कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे था ठीक है। तो यहाँ से एक्टिविटी देखते हैं, एक एक करके टर्म लिखते रहते हैं। एक्टिविटी लिखा हुआ है यहाँ पे -dN/dt इज गिवन 10 पे पावर 10, और ये यूनिट एकदम सही है, dps ये सही है। अगर मीन लाइफ लिखा हुआ 10 पे पावर 9 सेकेंड, तो इसको हटाएंगे तो लेमडा हटाइएगा तो 10 पे पावर -9 सेकेंड इनवर्स, ये भी सही है, ये आ गया आपको। ये जो लाइन लिखा हुआ ना, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ये हमें वेट चाहिए था, वेट ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल, और वो भी चाहिए था आंसर मिलीग्राम में चाहिए था, और एक नया लैंग्वेज ये लिखा हुआ मास ऑफ एन एटम, ये भी बोल्ड कॉन्सेप्ट है, उसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। सो ये जो लाइन लिखा हुआ ना मास ऑफ एन एटम, ये एक नया लाइन पेपर में डाला हुआ था, एकदम आसान है, तो आईटी का है क्वेश्चन, तो थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज तो रहेगा, -25 और ये किलोग्राम, मतलब इसका मतलब हुआ मास ठीक है ऑफ वन एटम का मास पूछा जा रहा है, एन एटम का मतलब वन एटम का मास, इसको थोड़ा यूनिट थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का यूनिट होता है मोल कॉन्सेप्ट का, किलोग्राम को हटाएंगे 1000 कर लेंगे और 10 पे पावर माइनस जो होगा वो 23, ये ग्राम हो जाएगा, ये ग्राम हो जाएगा, मतलब यहाँ से आपको ये समझना है कि नंबर ऑफ एटम, अगर वन एटम रहेगा तो इसका मास जो लिखा हुआ है, इसका मास जो है वो लिखा हुआ 10 पे पावर माइनस 23 ग्राम, तो इस इंफॉर्मेशन से, ये जो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इस इंफॉर्मेशन से कि जो वेट बाय मॉलिकुलर वेट होता है वो इक्वल टू जो हो गया नाउ एन डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे मॉलिकुलर वेट, यहाँ से मॉलिकुलर वेट निकालेंगे ठीक है, क्योंकि मॉलिकुलर वेट का जरूरत पड़ेगा वहाँ पे, इस फॉर्मूला को यूज करते समय मॉलिकुलर वेट जरूरत पड़ेगा, तो ये जो ग्रीन कलर है उससे आप मॉलिकुलर वेट निकाल लीजिए ठीक है, तो मॉलिकुलर वेट निकालते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं उसके बाद।
तो ग्रीन कलर जो है उससे अगर आप मॉलिकुलर वेट निकाल रहे हैं ग्रीन कलर से, तो मॉलिकुलर वेट जो अगर क्रॉस कर रहे हैं इधर से उधर क्रॉस करेंगे तो वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर और डिवाइड बाय एन। तो जब आप मॉलिकुलर वेट सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो वेट वेट जो है वो है 10^-23। ये SI यूनिट है, सही है आपका, 6.023 इनटू 10^23 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एटम 1। तो यहाँ से आपका मॉलिकुलर वेट जो आ गया ये कैंसिल और 6.023 ग्राम पर मोल ये मिल गया। अब चलिए अब उस फॉर्मूला को यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, ब्लैक कलर वाला फॉर्मूला? तो माइनस dN बाई dt इज इक्वल टू लेमडा और नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं तो वेट बाय मॉलिकुलर वेट इनटू द एवोगाड्रो नंबर। अब जो आपका वेट आएगा वही हमें निकालना है, ये वाला वेट, ये वेट वही है जो हमें निकालना है। बाकी अब सब पढ़ा हुआ है, दिया हुआ है, सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं इंटीजर में क्या आता है। सो ये है 10^10, यहाँ है 10^-9, ये वेट निकालना है। मॉलिकुलर वेट 6.023, एवोगाड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23। तो सब कट जाएगा, ये और ये कट गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 10^10 हुआ इज इक्वल टू वेट और 10^-9, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 और 14 हटा लीजिए, वेट इज इक्वल टू जो हो गया यहाँ पे, कहीं गड़बड़ एक बार फिर से डाटा मैं रीचेक करता हूँ क्योंकि इंडिया टैब में 9 से ऊपर नहीं आना चाहिए। मैं एक बार फिर से यहाँ चेक कर लेता हूँ और -4 आ रहा है और -4 मिलीग्राम में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है। सो एक्टिविटी ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर 10^10 dPs, यस करेक्ट। मीन लाइफ 10^9 सेकेंड, करेक्ट। मास ऑफ एन एटम 10^-25 -25 और यूनिट क्या है, यूनिट है किलोग्राम, सही है आपका, सब सही है यहाँ तक, सही है, ये सही है और यहाँ गड़बड़ हो गई। ये 10^3 है और यहाँ पे हटाएंगे तो 10^22, यहाँ रुकिए, यहाँ से गड़बड़ चल रहा है। 10^22 प्लीज करेक्शन, 10^22 10^22 10^ यहाँ पे वेट हुआ -22, सो ये मल्टीप्लाई बाय 10, सो ये 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे, नाउ यहाँ पे नीचे में मल्टीप्लाई बाय 10, ये 10 थोड़ा करेक्शन छूट गया था क्योंकि इंटीजर टाइप में आंसर से पता चल रहा था कि कहाँ गलती हुआ। तो 10^10 करेंगे तो यहाँ पे आपका -13 हो गया और वेट आ गया 10^-3 ग्राम, या आप इसको बोल सकते हैं 1 मिलीग्राम। ये था आईडी क्वेश्चन जिसमें 1 मिलीग्राम आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आईटी एडवांस का पुराना क्वेश्चन है जो आईटी मेन में 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन सेम ऑप्शन भी था, सेम स्टेटमेंट भी था। सो लिखा हुआ है कि टू रेडियोएक्टिव सैंपल, टू S1 है S2 है, जिसका एक्टिविटी 5 मिली क्यूरी और 10 मिली क्यूरी है। इसमें इनिशियल नंबर ऑफ एटम जो है 2N है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम N है, तो हाफ लाइफ ऑफ S1 एंड S2 कैन बी, इसमें कौन सा बेस्ट चांसेस है? तो आईटी एडवांस क्वेश्चन है, आसान है आपका। देखिए हाफ लाइफ आपको चाहिए, एक्टिविटी है और एटम से रिलेटेड है, फॉर्मूला वही लगेगा। आप जानते हैं एक्टिविटी ये माइनस और डी एन बाई डी टी हो गया और यहाँ लेमडा लेमडा और इनटू एन, आप इसको हटाएंगे तो माइनस डी एन बाई डी टी, या आप ऐसे बोल सकते हैं माइनस डी एन बाई डी टी को एक्टिविटी बोल सकते हैं जो मैंने बताया था आपको। लेमडा की जगह आप 0.693 और बाई हाफ लाइफ कह सकते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, मतलब आप चाहें तो यहाँ से हाफ लाइफ को ऐसे किनारे करेंगे तो ऐसे हो गया 0.693 इंटू द नंबर ऑफ एटम और डिवाइड बाई एक्टिविटी, ये एक फॉर्मूला हो गया आपके लिए। तो एग्जैक्ट तो नहीं निकलेगा बट अंदाज लग जाएगा कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं हाफ लाइफ अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ S1 के लिए, तो अब आप देखेंगे S1 के लिए यहाँ है 0.693, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स है 2N है, और यहाँ पे एक्टिविटी लिखा हुआ है यहाँ पे 5 और मिली क्यूरी, ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अगर मैं हाफ लाइफ यहाँ पे डिस्कस करूँ और S2 के लिए पढ़ूँ, तो S2 के लिए ये हुआ आपका 0.693 और इंटू, ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स जो है वो N है, नंबर ऑफ एटम N, और यहाँ एक्टिविटी जो लिखा हुआ है 10 और मिली क्यूरी ऐसे लिखा हुआ है, यह है इक्वेशन नंबर 2, ऐसे 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब आप डिवाइड कर लेंगे तो इससे अंदाज सिर्फ आपको लग जाएगा कि देखिए हाफ लाइफ ऑफ S1 और यहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ S2, ये हाफ लाइफ ऑफ S2, सिर्फ अंदाज लग जाएगा अगर डिवाइड कर रहे हैं तो। 0.693, 0.693 कट गया, यहाँ पे हुआ 2 और डिवाइड बाई यहाँ 5 और यहाँ पे हो गया n और यहाँ पे हो गया 10, सॉरी n नहीं, प्लीज फिर से करेक्शन, ऊपर में 2 हुआ और डिवाइड बाई यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो गया नीचे में 1 और ऊपर में 10, ये कंफर्म हो गया कि 4:1 है। तो हाफ लाइफ ऑफ 1 और हाफ लाइफ ऑफ 2, ये रेशियो 4:1 है। बस ये आपको मिलेगा, ये अंदाज मिल जाएगा कि रेशियो है 4:1, तो 4:1 तभी पॉसिबल है जब आंसर क्या हो, वो ए हो, और कोई चेक कर लीजिए और कहीं नहीं आंसर मिल सकता। तो ये फॉर्मूला वही है, उसी फॉर्मूला को दो अलग अलग में कंपेयर करना था। आप जब डिवाइड करेंगे आपको सिर्फ हिंट मिलेगा कि रेशियो क्या है, तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ S1, S1 हाफ लाइफ अगर 20 ईयर्स है, ऐसे आप बोल सकते हैं इसका मतलब हाफ लाइफ ऑफ S2, S2 जो है वो 5 ईयर होगा, क्योंकि यहाँ रेशियो जब लेंगे तो रेशियो 4 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन IIT मेन का और IIT एडवांस का। एडवांस का है, पुराना क्वेश्चन है, IIT मेन में इस साल पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शन है और बड़े बड़े ऑप्शन है। ठीक है, रेट के बारे में पूछा गया है कि 2 रेडियोएक्टिव सैंपल है, एक्स और वाई है, और इसमें हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एटम एक्स इज इक्वल टू मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एटम वाई। इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स दोनों का सेम लिखा हुआ, तो रेट ऑफ डीके पूछा जा रहा है कि किसका रेट ऑफ डीके फास्ट है, किसका रेट ऑफ डीके स्लो है। ये भी IIT मेन का क्वेश्चन है और पहले IIT एडवांस में आया था, और सेम क्वेश्चन सारा ऑप्शन के साथ रिपीट किया मेन में। स्टार्ट करते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रेडिक्टिव एलिमेंट एक्स और वाई, 2 रेडिक्टिव एलिमेंट एक्स और वाई है, तो हाफ लाइफ ऑफ एक्स, हाफ लाइफ का मतलब हुआ 0.693 बाय लैम्डा ऑफ द एक्स, ये एक्स के लिए, इज इक्वल टू मीन लाइफ का मतलब 1 बाय लैम्डा ऑफ द वाई, ऐसा ये लिख सकते हैं। अब इसको हटाएंगे, यहाँ पे अगर लैम्डा एक्स और डिवाइड बाई 0.693 इज इक्वल टू लैम्डा वाई, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, रिवर्स कर लीजिएगा आप, ठीक है, आप इसको हटाएंगे तो 1.44 और लैम्डा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वाई, ये तो आप जो गिवन है पेपर में जो गिवन है उसके हेल्प से आप पहले लैम्डा का रिलेशन निकाल दीजिए। हाफ लाइफ एक्स
मीन लाइफ ऑफ वाई लिखा हुआ है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एक रिलेशन आ गया एक्स और वाई में, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट में। ठीक, अब आप देखेंगे कि रेट ऑफ डीके माइनस डी एन बाई डी टी ऑफ द एक्स, रेट ऑफ डीके ऑफ द एक्स इज इक्वल टू और लैम्डा एक्स और इनटू इनिशियली सेम नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इसका सेम है, इनिशियली बोथ हैव सेम नंबर ऑफ एटम। मतलब अगर मैं हाफ यहाँ पे रेट ऑफ डीके माइनस डी एन बाई डी टी और अगर मैं वाई के लिए करूँ सो लेमडा वाई इंटू एन, ये है क्वेश्चन नंबर टू। और अगर मैं डिवाइड कर दूँ इसमें वन बाई टू डिवाइड करें हम लोग, देन वो आपका रिलेशन आ जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिए फ्रॉम वन बाई टू, फ्रॉम वन बाई टू, वन बाई टू में आप लिख सकते हैं रेट ऑफ एक्स, सो रेट ऑफ एक्स, रेट ऑफ डिस्टिंटिगेशन ऑफ द एक्स ऐसे, और यहां पे लिख सकते हैं रेट ऑफ डिस्टिंटिगेशन ऑफ द वाई, और यहां पे सॉल्व करेंगे तो लेमडा एक्स और डिवाइड बाई यहां पे लेमडा वाई, और लेमडा एक्स बाई लेमडा वाई, अगर आप लेमडा एक्स बाई लेमडा वाई आप चेक करेंगे तो ये हुआ वन डिवाइड बाई 1.44 आ रहा है, लेस देन वन, ये वैल्यू जो होगा वो लेस देन वन। सो रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके ऑफ एक्स बाय रेट ऑफ डीके ऑफ वाई लेस देन वन, क्योंकि ये वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो वो वही आ जाएगा 0.693, वही 0.693 वाला आ गया। लेस देन वन मतलब रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके ऑफ एक्स, रेट ऑफ डीके ऑफ एक्स लेस देन द रेट ऑफ डीके ऑफ वाई। सो मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट में था वाई का रेट फास्टर होगा एक्स से, ऑप्शन क्या लिखा है, हाँ वाई विल डीके एट फास्टर रेट देन एक्स, ऑप्शन में ये है। सो रेट ऑफ डीके, तो ये कंपेयर करना था एक्स एंड वाई के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो आप लिख सकते हैं यहां कि रेट ऑफ डीके ऑफ वाई फास्टर देन रेट ऑफ डीके ऑफ एक्स, सो रेट ऑफ डीके ऑफ वाई फास्टर देन रेट ऑफ डीके ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है बट अच्छा सा क्वेश्चन है। रेडियम एक रेडियोएक्टिव एटम है जिसका हाफ लाइफ है, इसका अमाउंट लिखा हुआ है वो मिलीग्राम है, डे है, ये यूनिट चेंज करना है। एवरेज एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड, बीटा पार्टिकल इमिट कर रहा है उसका एवरेज एनर्जी लिखा हुआ है, एक पार्टिकल जो इमिट हो रहा है 0.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, रेट एट विच एनर्जी इमिट का मतलब पावर चाहिए, पावर इन वॉट, पावर इन वॉट चाहिए। ठीक है, सो ऑप्शन में आंसर में लिखा हो वाट, सो आप जानते हैं कि पावर, ठीक है, पावर इज इक्वल टू आपको पढ़ा हुआ है पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम ऐसा। ठीक है, ये एनर्जी जो है एवरेज एनर्जी फॉर वन बीटा, वन बीटा पार्टिकल इमिटेड, एक बीटा इमिट कर रहा था और बहुत सारा बीटा, क्योंकि डिसइंटीग्रेट करते रहेगा टूटते रहेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि एनर्जी, और वहाँ पे बगल में लिख सकते हैं कि माइनस डी एन बाई डी टी, क्योंकि ये डी एन बाई डी टी वही चीज़ हो गया, नीचे में टाइम हो गया एनर्जी बाई टाइम, बट सही लिखने का तरीका है माइनस डी एन बाई डी टी, क्योंकि खूब टूट रहा है, ये तो एक बीटा के लिए ना है, ये एक बीटा के लिए है, एनर्जी
फॉर वन बीटा, क्योंकि ये बीटा इमिटिंग अल्फा बीटा इमिट कर रहा है, तो बीटा के लिए एक बीटा के लिए एनर्जी लिखा हुआ है, तो बहुत सारा बीटा जब डीके करेगा तो बहुत सारा बीटा निकलते रहेगा। तो वो फॉर्मूला आपको पावर एनर्जी बाय टाइम उसके जगह बेटर होगा, एनर्जी बाय टाइम की जगह यहाँ टाइम तो आ ही जा रहा है बट dN बाय dt लिखिए, क्योंकि डीके का रेट जिससे जिससे डीके करेगा, ये तो एक के लिए है, एक बीटा निकला तो बहुत सारा डीके हो रहा है, फट फट डीके हो रहा है, तो वो रेट आप यूज कर लीजिए, आपका काम भी हो जाएगा, एनर्जी बाय टाइम भी हो गया। रुकिए और अच्छे से, सो पावर, पावर इज इक्वल टू ई लिख लेंगे एनर्जी, और माइनस dN बाय dt का मतलब होता है लैम्डा इंटू एन होता है, ठीक। फिर से देखेंगे, इधर पावर चाहिए तो ये एनर्जी हो गया लैम्डा 0.693 बाय हाफ लाइफ, और नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम ये नंबर ऑफ एटम की जगह वेट बाय मॉलिकुलर वेट और इनटू द एवोगाड्रो नंबर, ये जानते हैं आप, ये जानते हैं लैम्डा की जगह और ये एन की जगह एनर्जी। यूनिट खूब अच्छे से करना है क्योंकि आंसर पूछा जा रहा है ऐसा यूनिट में, ठीक है। चलिए अब मैं यूनिट रख रहा हूँ, ध्यान से, ये जो एनर्जी है, रुकिए मैं इसको रेड कलर कर दे रहा हूँ, तो इस रेड कलर एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ 0.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब यूनिट गलत है आपका, सो 0.34 मेगा, मेगा का मतलब 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10^-19, ये है जूल, ये जूल में, ये सही है आपका, ऐसा यूनिट में आ गया। नेक्स्ट बगल में है 0.693 और डिवाइड बाय हाफ लाइफ, हाफ लाइफ है 5 डे, एक दिन में 24 घंटे 60 मिनट और 60 सेकंड, ये है जूल पर सेकंड हो गया, ये हो गया आपका। नाउ ये है 4 मिलीग्राम, 4 × 10^-3, सो 4 × 10^-3 ग्राम और डिवाइड बाय एटॉमिक वेट 210 और इंटू 6 ही कर ले रहा हूँ मैं, 6 × 10^23 कर लीजिए, 6.023 के जगह 6 कर लीजिए। सबसे पहला प्लान करिए, पावर सॉल्व कर लीजिए, ये जूल पर सेकंड आ चुका है, जूल पर सेकंड ये यूनिट पावर वाट का आ जाएगा। कैलकुलेशन है थोड़ा सा बड़ा रहता है इसमें टॉपिक में, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा ही कैलकुलेशन है, जैसे उसमें खूब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन था वैसे ही, बट कट जाएगा, ऑप्शन देखेंगे तो कट जाएगा। चलिए सो सबसे पहले हम लोग पावर सॉल्व करते हैं इस केस में, 0.34 ये है 1.6, 0.34 1.6 0.693 ये है 4 और 6 4 6, ऊपर का पावर पहले सॉल्व करने दीजिए, ऊपर में पावर मुझे सॉल्व करने दीजिए। सो देखिए यहाँ पे है 23 और ये 3 कट गया इसमें से, तो 20 19 कट गया, 1 × 10^7 हो गया। रुकिए नीचे आने दीजिए, नीचे में ये हुआ 24 5 24 60 60 210, ये है वाट। अब 10^7 कट करना है, तो 7 कट करना है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 0 यहाँ से, 3 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, तो मैं लिख रहा हूँ पावर, सो 0.34 16 ये है 693, 3 0 इसका, 1 0 इसका और 7 3 0 नीचे, तो 4 × 6 और 3 0 नीचे है, तो 5 रहने दीजिए, ये 24 है, 6 6 21, ये है वाट। अब आप सॉल्व करेंगे, सो ये 6 6 कैंसिल, 8 से कटा 2 टाइम, 8 से कटा यहाँ पे 3 टाइम, 3 से ये कट जाएगा 231। अब क्या कट रहा है, 2 से ये कट जाएगा 3, कैलकुलेशन अपने से खुद करना आपको। अब ऊपर में कितना बच गया तो देखते हैं, ऊपर में क्या बचा, तो ये है 231,
मल्टीप्लाई बाय ये 4 इससे मल्टीप्लाई करना है, सो 16 1.3 एक बार फिर से, और नीचे में डिवाइड करेंगे 15 21, और ये है 15। अच्छा ये तो कट जाएगा, ये तो नियरली ये 10 टाइम कटा और 10 टाइम कटा, ये हो गया 10, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नियरली 1 आएगा, नियरली 1। मैं आंसर देख ले रहा हूँ, आंसर में 1 होना चाहिए, हाँ है। आंसर लिखा हुआ 2 0.1, 2 लिखा हुआ है एक आंसर, एक लिखा हुआ 0.1, एक है 1.5, एक है 1, तो सॉल्व करेंगे नियरली 1 वाट आ रहा है, तो 1 वाट ये है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, कैलकुलेशन तो देखिए बड़ा रहेगा इसका, और मेडिकल में आता है सब क्वेश्चन, यानी कि बहुत टफ है आईटी एडवांस के लिए। आपको कॉन्सेप्ट सीखना था कि कैसे पावर निकालना है, अगर एनर्जी दिया हुआ है सो टाइम कहाँ से लेना है, तो वो कॉन्सेप्ट सीखना था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा था बट आसान है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि 2 रेडियोएक्टिव एटम रेडियम एंड यूरेनियम आर इन इक्विलिब्रियम, हाफ लाइफ इसका लिखा हुआ, हाफ लाइफ इसका लिखा हुआ, इसके 1 ग्राम के लिए ये कितना वेट इसका लेना है, इसका ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द 2 रेडियोएक्टिव एटम है और इक्विलिब्रियम में लिखा हुआ है, हाफ लाइफ दोनों का लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम सो इक्विलिब्रियम पे आप जानते हैं ये रेट, रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियम, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो सेम एज द रेट ऑफ डीके ऑफ यूरेनियम। सो रेडियम और यूरेनियम दोनों का रेट ऑफ डीके सेम हो जाएगा। सो रेट ऑफ डीके जब बराबर हुआ, रेट ऑफ डीके के लिए आप लिख सकते हैं डीके का रेट हुआ -dN/dt, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम का बस हेल्प लेना था, बाकी फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है रेडियोएक्टिविटी का, और रेट का मतलब होता है -dN/dt यूरेनियम। -dN/dt आप जानते हैं कि λ×N होता है, λ×N फॉर रेडियम, और यहाँ पे आप जानते हैं कि λ×N फॉर यूरेनियम। लेमडा का मतलब आप जानते हैं कि ये लेमडा का मतलब 0.693/2 हाफ लाइफ हुआ, और यहाँ जानते हैं n का मतलब वेट बाई एटॉमिक वेट इनटू द एवोगाड्रो नंबर, 4 किसके लिए, रेडियम, और यहाँ पे 0.693/2 वेट बाई एटॉमिक वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये किसके लिए, ये यूरेनियम के लिए। देखिए आप जानते हैं 0.693 ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, दोनों में कट जाएगा, एवोगाड्रो नंबर दोनों के लिए क्या है, सेम है, वो कट जाएगा, बाकी आप पुट कर लेंगे। इसका किसका वेट चाहिए था, रेडियम का वेट चाहिए था, ठीक है यहाँ वेट कर लेंगे, और यहाँ हाफ लाइफ कर लेंगे 1.6 10^3 एटॉमिक वेट कर लेंगे 226। सो यहाँ वेट, इसका वेट हुआ 1 ग्राम, हाफ लाइफ 4.5×10^9 एटॉमिक वेट 238 हो गया, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहां हुआ 226 इंटू 1.6 इंटू 10^3
238, 4.5 इंटू 10 पे पावर 9, यह है ग्राम। सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, सो 226, 10 यहाँ से हेल्प लीजिएगा, 10 यहाँ 16 कर लीजिएगा, और यहाँ है 238, यहाँ पे 4.5, और ये 10 हुआ तो 2 और 2, 10 पे पावर -7 ग्राम। अब इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। सो ये नियरली अगर 1 ले रहे हैं और ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, 1 से ज़्यादा हुआ तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, ये हुआ 5 हुआ, सो समथिंग इज 3.2 10 पे पावर -7, मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ है 3.4 इंटू 10 पे पावर -7, 3.4 इंटू 10 पे पावर -7। तो ये था आंसर 22। दो क्वेश्चन और करते हैं, 10 क्वेश्चन करना था इस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लिखा हुआ कि इफ द अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इंक्रीजेस 3 टाइम्स, अमाउंट जो वेट है उसको ट्रिपल कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, नाउ द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर ग्राम, थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़िए, कई लोग बस ऐसे पढ़ते हैं नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड, नो, नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर ग्राम पर यूनिट टाइम वुड बी, आंसर है रिमेन सेम। कई लोग बोलते हैं 3 टाइम्स कर दीजिए सर, नो नॉट 3 टाइम्स, आप जानते हैं कि ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन माइनस dn बाई dt होता है, जिसका मतलब होता है लेमडा इंटू एन, और जिसका मतलब होता है लेमडा 0.693 बाई हाफ लाइफ होता है, और यहाँ पे होता है नंबर ऑफ एटम वेट डिवाइड बाई एटोमिक वेट इंटू एवोगाड्रो नंबर, ऐसा होता है, ये टर्म है आपका। सो लिखा हुआ इफ द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर ग्राम, ऐसे लिखा हुआ नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड, ऐसे नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर ग्राम लिखा हुआ यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम ये है नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट निगेटिव, पर ग्राम पर यूनिट टाइम, पर ग्राम पर यूनिट टाइम, तो आपका जो फॉर्मूला हो गया वो 0.693 इंटू द एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ पे हो गया हाफ लाइफ इनटू द मॉलिकुलर वेट, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये, क्योंकि आपको निकालना था ये वाला टर्म, नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर ग्राम पर यूनिट टाइम, अगर आप अमाउंट ट्रिपल कर दें तो नॉट डिपेंड ऑन मास, ये जो टर्म है ये टर्म कांस्टेंट है, आपको ये चाहिए था, नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेटेड पर ग्राम पर यूनिट टाइम कॉन्स्टेंट रिमेन सेम, नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट, ठीक है, सो वुड बी आंसर था रिमेन सेम। कॉन्स्टेंट या आप लिख सकते हैं नॉट डिपेंड ऑन मास, नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। सो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और है आईटी एडवांस का, एक छोटा सा क्वेश्चन देखता हूं मैं। सो ये है आईडी एडवांस का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि एक रेडियोएक्टिव एटम है आयोडीन, आयोडीन 131 वाला रेडियोएक्टिव होता है, जो मैंने आपको क्लास में बताया था स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में कि वो थायराइड ग्लैंड कैंसर के मेडिसिन में यूज किया जाता है, आयोडीन जो है वो रेडियोएक्टिव आयोडीन है, जिसका हाफ लाइफ 8 डे लिखा हुआ और एक सैंपल लिखा हुआ, बोले कि एक सैंपल है, मान लीजिए कि ये एक मेडिसिन है जो रखा हुआ है हॉस्पिटल में, और अब
इक्वल टू जीरो पे कुछ इसके एटम्स हैं तो वो कब स्टार्ट करेगा डीके। अब ऑप्शन में थ्योरी कुछ लिखा हुआ है कि कब स्टार्ट करेगा डीके, 4 डे के बाद, 8 डे के बाद और 16 डे के बाद, एट एनी टाइम जस्ट आफ्टर जीरो। तो आंसर है कि स्टार्ट डीके एट एनी टाइम आफ्टर जीरो, या एट एनी टाइम बोलते हैं लिखा होगा इट गिवन न्यूक्लियर मे स्टार्ट डीके एट एनी टाइम आफ्टर टी इक्वल टू जीरो। सो ये नहीं कि इसका हाफ लाइफ का वेट करना है, ये छोटा होना शुरू कर जाएगा धीरे धीरे, वो छोटा होना शुरू कर जाएगा, ऐसे न्यूक्लियर डीके शुरू कर जाएगा, वो हाफ लाइफ का वेट नहीं करना है। ये नहीं कि इसको आपको 8 दिन है तो 8 दिन बाद वो स्टार्ट करेगा, 4 दिन बाद स्टार्ट करेगा या 16 डे बाद स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं। वो जस्ट एट एनी टाइम, ये स्टार्ट डीके एट एनी टाइम आफ्टर टी इक्वल टू जीरो। सो आंसर था कि इट स्टार्ट डीके एट एनी टाइम आफ्टर टी इक्वल टू जीरो। क्योंकि आप ऐसे थ्योरेटिकली भी पढ़ सकते हैं, आईटी एडवांस में इसके ग्राफिकल फॉर्म भी आया हुआ, तो ग्राफिकल फॉर्म भी ऐसे लिख सकते हैं। ये भी एडवांस में आया था कि नंबर ऑफ एटम्स, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, मैं तो ग्राफ पढ़ा चुका हूँ, नंबर ऑफ एटम्स, रेडियोएक्टिव एटम्स, टाइम, ये टाइम का जो आप प्लॉट करेंगे तो आप जानते हैं कि फंक्शन एन इज इक्वल टू एन नॉट और ई पे पावर माइनस द लैम्डा टी, ऐसे ये जो फंक्शन है तो वो रेडियोएक्टिव एटम स्टार्ट करना शुरू कर देता है टी इज इक्वल टू जीरो, नंबर ऑफ एटम जो है वो एन नॉट है और जस्ट एट एनी टाइम जस्ट स्टार्ट हो जाएगा डीके। ये आप पढ़े हुए हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनते हुए ऐसे ऐसे ग्राफ चला जाएगा। तो किसी भी टाइम पे जस्ट जैसे टी इज इक्वल टू जीरो स्टार्ट हुआ, रेडियोएक्टिविटी डीके शुरू हो जाएगा। तो ग्राफ भी आईटी क्वेश्चन है, एडवांस का ये भी क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन एडवांस का यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन। सो ये लेक्चर फाइनल, लॉ ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस में जो डिफरेंशियल फॉर्म का इक्वेशन था उस पर जो क्वेश्चन आया हुआ है या जैसा क्वेश्चन आने का चांसेस है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं प्लान करता हूँ इस वाले क्वेश्चन पे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन पे। इस पे भी खूब क्वेश्चन आए हुए हैं मेडिकल में, आईटी एडवांस में, आईटी मेन में, मैं डिस्कस कर देता हूँ इसका क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिस्कस करता हूँ।